दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम लोगों का कई बार डिस्कशन ये हो चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट है और इसको अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ तो मान के चलिए ये डिस्प्लेसमेंट एच हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट होगा दैट वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो वर्क डन दिखा रहा हूँ मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नथिंग बट माइनस एम जी एच। उसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है। देखिए वेट और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट का है, तो इसी वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर मुझे माइनस एम जी एच मिला। लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ इस लेवल पर आ जाता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी राइज हो जाएगा। मान के चलिए ये जो लेवल है इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं ज़ीरो मान के चलता हूँ तो ये बॉडी यहाँ पर आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी एम जी एच। तो हालांकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है इसमें रिलेशन जो मिला है मुझे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस ज़ीरो, सो दैट इज इक्वल टू एम जी एच। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैंने जब इसको डिस्प्लेस कर दिया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पर कितना आया, माइनस एम जी एच। तो इसी तरीके से हम लोग कंक्लूजन पर पहुँचे थे और वो कंक्लूजन ये था कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, समझिए इसको, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्जर्वेटिव है और मैंने कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस के बारे में इसके पहले लेक्चर में आपको क्लियरली बताया था कि अगर राउंड ट्रिप हो जाता है, मतलब ये ब्लॉक अगर यहाँ से ऊपर लेके जाता हो और वापस मैं उसी स्टेट पर ला के रख देता हूँ तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप मस्ट बी ज़ीरो। जब यह जीरो हो जाता है तो जो कोई फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं या फिर वर्क डन बाय दोज फोर्सेस, तो वो जो फोर्सेस हो गए उनको हम लोग बोल देते हैं कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, समझ में आ गया। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव एफ बार डॉट, चलिए मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर बार लिख देता हूँ, सो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, या फिर मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ डी आर कॉस थीटा। ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वो आगे की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इस सेंस से मूव हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मान के चलता हूँ मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने एफ बार, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ पर तो इस सेंस में हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये है डी आर बार, इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो देखिए ये फोर्स और डी आर बार इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो मैं पहला फोर्स को रिजॉल्व कर देता हूँ दो कॉम्पोनेंट में। एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा जो कि डी आर बार के अलोंग है उस समय, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट और अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो हो जाता है, तो यहाँ जो कोई भी वर्क डन हो रहा है दैट वर्क डन इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स। तो मैं यहाँ पर एफ कॉस थीटा को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, लेट एफ कॉस थीटा is the force along position vector, so FR लिख देता हूँ। तो मेरे पास change in potential energy आ जाएगी minus FR और ये आ गया DR, so FR can be equal to minus DU by DR। तो ये जो force है ये force along displacement vector ही हमें लेना होता है। अगर हम general term में बात करते हैं सो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर हम लिख सकते हैं।
अगर इसे 3D स्पेस में, अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो तो किस तरीके से लिखा जाए? मैं लिख दूंगा एफ बार इज इक्वल टू निगेटिव साइन माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लाता हूँ, उसे सॉल्व करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड हो तो फोर्स वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? तो फोर्स आ जाएगा एफ बार इज इक्वल टू माइनस, देखिए किए तो यहाँ पर कांस्टेंट ही दिया गया है तो माइनस के। अगर डिफरेंशिएट कर देते हो आप इसको तो डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक्स वाई आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई यहाँ पर एक्स वाई और जे कैप, देखिए के कैप के लिए तो जेड डिपेंडेंट कुछ दिया गया नहीं है। सो एफ बार कैन बी इक्वल टू माइनस के, इसको डिफरेंशिएट अगर कर दिया तो सिर्फ वाई बच जाएगा यहाँ पर, तो वाई आई कैप मिल जाएगा प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर कर दीजिए तो एक्स जे कैप मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें रिलेशन मिल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी के कांस्टेंट ले लिया तो एफ वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये एक्स पर डिपेंड है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर वेक्टर की टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने कंसिडर कर लिया। सो देयर फोर एफ इज इक्वल टू माइनस, देखिए अगर ये टर्म मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो हाफ ऑफ के तो कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस हाफ ऑफ के और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। सो एफ इज इक्वल टू माइनस मिल गया मुझे के एक्स, तो यही मिलता था हमें फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कहते थे स्प्रिंग फोर्स।